the blood vessel. Then beta, alveoli की inner lining, air sacs of lung. और कहाँ प्रेजेंट है आपके बोमैंस कैप्सूल में, जहां पर क्या हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो ये बात हो गई आपके स्क्वामस एपिथेलियम की. दूसरा नाम बेटा एंडोथेलियम, मेसोथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम और योर पेवमेंट एपिथेलियम. चलिए अगले टाइप के सेल्स पे चलते हैं. यहाँ पर अगर आप देख रहे हो हाइट इज वेरी लेस, हाइट इज वेरी लेस. अब मेरे पास टाइल एक ही बची है, ठीक है. तो हाइट इज वेरी लेस एंड मास यहाँ पर हम सेम रख रहे हैं, टाइल इज नॉट ब्रेकिंग. लेकिन अगर आपने थोड़ा सा हाइट बढ़ाया, मास सेम था, हाइट बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गया, टूट गई टाइल. अगर मान लो आप अकेले रह रहे हो कहीं पे, ठीक है, आपने अपने लिए खाना बनाना है बस, दिस इज ओनली यू. आप बनाने गए थे कस्टर्ड, बन गया वो ऐसे केक. आपने बोला ठीक है ये खा लेते हैं यार. तो इजी टू चेंज एंड इजी टू यूज. पहला This is relative atomic mass. ये नाइट्रोजन का ही relative atomic mass आपके पास आ गया with no units. इसका कोई units नहीं है. This is your relative atomic mass. बहुत बढ़िया.